असलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है सबका। अभी मैं रेडी होने लगी थी, मैं इनका स्टोरीज में आ गया। आप लोग सारे रेडी हो जाते हैं, वैसे भी तो रेडी होना है। सबसे पहले हम अपनी जुल्फे संभाल लेते हैं ताकि जुल्फे हमारी मुंह पे ना आए। ठीक है, मुंह धो लिया है, इसे कोई मॉइस्चराइजर वगैरह नहीं लगाया हुआ। सबसे पहले आप कोई भी स्प्रे कर लें। और उस मिस्ट को 80% ड्राई होने दें। आप लोग कुछ भी स्प्रे कर रहे हैं, रोज़ वाटर स्प्रे कर रहे हैं, कोई मिस्ट यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, करने के बाद उसको प्रॉपर ड्राई नहीं करना, थोड़ा थोड़ा गीला रहे वो। फिर हम लेंगे फाउंडेशन, M2 ले रही हूँ, गीला ब्यूटी ब्लेंडर लेंगे, सूखे पे नहीं करेंगे। फटाफट करते हैं क्योंकि टाइम कम है। एक मिनट देखें जी, खत्म हो गया था और मैं फाउंडेशन लगाई जा रही थी बगैर देखे। अच्छा, जिन लोगों को कन्फ्यूजन हो रही थी M2 और M1 में कि M2 थोड़ा पिंकिश टोन में, देखो पिंकिश टोन में नहीं है। पोर्सलिन के दो शेड्स होते हैं, एक पोर्सलिन का वाइट में होता है, एक पोर्सलिन का थोड़ा सा वाइट से हट के होता है, जो थोड़ा सा जिनका डल कॉम्प्लेक्शन होता है। देखो हर वक्त हर इंसान इतना ब्राइट नहीं लग रहा होता, कभी उठते ब्राइट आ रहा होता है, कभी उठते थोड़ी डल स्किन आ रही होती है, या वाइट से हटके हल्का सा हटके ब्लेंडेड सा जिसको फाउंडेशन चाहिए उसके लिए M2 है ये। देखिए जाग जाग के डार्क सर्कल्स पड़े हुए हैं। अभी तो इंस्टाग्राम वालों ने एक मिनट की हमें स्टोरी दे दी है, जब 15-15 सेकंड की स्टोरी होती थी, छोटी 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 इतनी हजारों बन जाती थी एक मिनट की स्टोरी। फाउंडेशन के बाद दोबारा इतना कोई भी आप लोगों का मिस्ट है वो कर लीजिएगा। ठीक है जी, फाउंडेशन डन। अब हम क्या करेंगे जी, हल्का सा आई मेकअप करेंगे, कोई भी लाइटेस्ट शेड लगा लेंगे बेस बनाने के लिए ताकि स्प्रे का गीलापन खत्म हो जाए। और बना लेते हैं आईब्रोज हल्की सी, ये पता नहीं पेंसिल किसकी है, इसी तरह पड़ी हुई थी, ना ये हिस्सा था ना ये हिस्सा था, इससे बना लेते हैं। ये मेरी भी है, ये बहन की रह गई है। ऊपर लिखा भी कुछ नहीं हुआ, कहाँ की है। एक मिनट खत्म वैसे गुजरता नहीं एक मिनट, इस तरह फटाफट गुजरी जाए। हाँ जी, मैं क्या कह रही थी कि एक मिनट गुजरता नहीं है, जब एक्सरसाइज करना शुरू करती हूँ ना, जब प्लैंक की बारी आती है, ऑफ 20 सेकंड भी इतनी मुश्किल से गुजरे होते हैं और एक मिनट तो दूर की बात है, एक मिनट से पहले भूख निकल जाती है। और जब कोई अपना बंदा मनपसंद काम कर रहा होता है तब एक मिनट गुजरता पता नहीं चलता। ठीक है जी, हल्की सी बस आईब्रोज बना ली है, वीडियो बनानी है, कहीं जाना नहीं है। फिर हम लेंगे, एक मिनट में ब्रश ले। हाँ जी, अब हम कोई भी लाइटेस्ट ब्राउन शेड लेंगे, ये वाला कुछ भी ले सकते हैं आप लोग किसी भी पैलेट से, और इसको हल्का सा आंख यूं करके आंख इधर फिल करेंगे। ठीक है, फिल करने के बाद थोड़ा डार्क शेड लेंगे ब्राउन का, उसको भी इसके ऊपर ही फिल करेंगे। डीप होगी ना आंख। अब इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। मानो मम्मा इधर है। ईमान तो बहुत प्यारी लग रही है। मेरे भी लगाए। लगा दिए? नहीं लगाया। अच्छा, इधर आओ। मैंने ये कलरफुल लगाना। ये जो पिंक शेड है ना, हम हल्का सा ये लगाते हैं। आओ। रेनबो लगाते हैं। अच्छा, रेनबो अच्छा नहीं ना लगता बेबी को। इधर मुंह करो ना, इधर मुंह करो, इधर 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 ब्लेंड कर। वालेकुम अस्सलाम। अब मतलब नहीं, ऐसे नहीं बेटा, एक मिनट बेटा। नहीं बता रहे।
हाँ जी, तो ब्राउन को हमने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया और ये वाला पिंक जो है, कोई भी इस तरह का पिंक आपके पास शेड पड़ा हुआ है तो ज़ूम, दैट्स इट, मेकअप कंप्लीट। दूसरी आंख का फटाफट कर लूँ, पीछे चला जाओ ऐसे। ब्राउन कर लिया, अब पिंक ग्लिटर जो लाइट सा शिमर है पिंकी से, वो अप्लाई कर लेते हैं। चलो जी, ये काम हो गया। अब क्या करें हम, अब हल्की सी कॉन्टोर कर लेते हैं। M5 शेड लिया, हल्की सी ब्रॉन्जिंग कॉन्टोरिंग हो गई है। अब हम ब्लश करते हैं। ब्लश के लिए मैं लिपस्टिक ले रही हूँ वाओ, इसको हम स्प्लेट पे लेंगे। ये देखिए, ये ले ली, इसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं शेड M2 ही है ना, हाँ M2। इसको हम अब करेंगे मिक्स, मिक्स करने के बाद अच्छी तरह मिक्स किया। मुझे है कि टाइम खत्म होने से पहले ब्लश लग जाए। अब हम इसको ब्लेंड करते हैं, 1 मिनट खत्म। थोड़ा सा अगर डार्क करना चाहे तो डार्क भी कर सकते हैं, इतना बहुत है। हर जगह ब्लश लगा लो, चिन पे थोड़ा ज्यादा ही लग गया ना, थोड़ा फाउंडेशन लगा लेते हैं यहाँ पे। चलो जी, ये काम खत्म। अब सिर्फ हम ग्लॉस लगाते हैं और मस्कारा, फिर जी लिपस्टिक लगा लेते हैं। लिपस्टिक में कौन सी लगाऊं, ग्लॉस लगा लेते हैं, ब्लिंकी ग्लॉस। के ऊपर हल्का सा टच दे देते हैं, सूखे रूखे से लग रहे हैं। बस बहुत है ना। और अब बारी है मस्कारा अप्लाई करने की, फिर 1 मिनट। बच्चे भी रोना शुरू हो गया, अब तो दायम से आया हुआ था, उठ गया। चलो जी, हो गया काम तमाम। कुछ रह तो नहीं गया, नहीं अभी भी कुछ रह गया।
तो सिर्फ बाल दोबारा स्ट्रेट करने वाले हैं। मेकअप लुक जी कंप्लीट हो गई है और बाल भी हल्के फुल्के सेट कर ही लिए हैं। जो लोग इस ड्रेस का पूछ रहे हैं, फैजा फैसल का बहुत खूबसूरत शॉल के साथ ड्रेस है, देखो ये इसकी शॉल है इस तरह की। बाकी मैं पेज टैग कर दूंगी यहाँ पर, ये इसका कलर कॉम्बिनेशन है। हाँ जी, वीडियो बन गई है। अब मैं कपड़े चेंज करने लगी थी, मैंने कहा थोड़ा इजी हो जाती हूँ घर में, और मुझे इतनी हंसी आ रही थी 10-15 दिन से, इतनी ठंड लग रही थी लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी सर्दियों के कपड़े निकाल लेंगे, ढील बन के ना लॉन ही पहनी जा रही थी। तो आज मैंने फाइनली हिम्मत की और निकाल ही लिए, और हिम्मत क्या की है, सारे निकाल के बाहर फेंक दिए, खलारा मजीद डाल दिए। ये इसकी शर्ट है, ये आप लोग को याद होगा जब दायम होने वाला था तब मैंने, नहीं जब दायम हो गया था पहली दफ़ा मैंने ये पहना था। ये जी बहुत ही खूबसूरत सा कुर्ता है रॉ सिल्क का, इसका कलर देखे कितना अच्छा लग रहा है आंखों को। इसकी ये फुल लुक है, सामने फ्रंट पे सारे बटन्स हैं और ये आगे से फ्रंट ओपन है, गला इसका इस तरह का है और बाजू ये रहे। कपड़ा भी बहुत अच्छा है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, स्टिचिंग में आप लोग को ज़रा पास से भी दिखा देती हूँ। अगला जी ये कुर्ता है, क्या बात है जी कलर की, कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, इसकी स्लीव्स हैं कुछ इस तरह की, स्टिचिंग बहुत नीट है, कपड़ा क्वालिटी भी बहुत अच्छी लग रही है, और ये डिज़ाइन उसके बाद ये सिल्क का कुर्ता आता है डबल टोन में, ये देखिए नीचे लाइट है ऊपर आते आते डार्क हो रहा है। ये इसकी नेक लाइन है, उसके बाद जी ये बहुत प्यारा कलर है, और आजकल ना मुझे ये वाला कलर बहुत फैसिनेट कर रहा है, पता नहीं क्यों। सर्दियां जब आती है मेरा दिल करता है मैं रेड रेड करूं, और इस वक्त मेरे पास कोई 3 रेड है जो मैंने इस दफ़ा सर्दियों के लिए मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये देखिए ये स्लीव्स आ गई, आगे से शॉर्ट है पीछे से लॉन्ग है शर्ट, और ये नेकलाइन आ गई, और जो लास्ट मैंने आपको ड्रेस सिखाया था वो 2-पीस है, इसका ये ट्राउज़र है उसका। चलिए जी, मैंने पेज टैग कर दिया, आप लोग पेज पे जाएं और देखिए सर आप लोगों को कौन कौन से अच्छे लगे ड्रेसेस। तुम्हारी उड़ान से दिक्कत तो बहुत लोगों को होगी।